हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। एक वीडियो यहाँ पर रिलीज हो चुकी है, पोजिशनल ट्रेडिंग वर्धमान टेक्सटाइल में, जहाँ पर आपको 27% की रिटर्न, इसके रिजल्ट से पहले पहले भी देखने को मिल सकते हैं। और 27% का मतलब ये नहीं है कि 27% मिल जाएंगे तभी एग्जिट करना है, आपको 20 से 25% की भी रिटर्न मिल रहे हैं तो भी एग्जिट करने की यहाँ पर सलाह रहेगी, क्योंकि रिजल्ट के बाद यहाँ पर एंट्री का मौका दोबारा मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें इस पर्टिकुलर वीडियो में, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है, हम बात करने वाले आनंद राठी से रिलेटेड। आनंद राठी में किस तरीके से यहाँ पर लोगों को ट्रैप किया गया, और ट्रैप करने के बाद चीजें यहाँ पर नीचे आई। अगर मैं ओवरऑल बात बताऊं तो ये 721 रुपए तक ये शेयर जाता हुआ दिखाई दिया था, लगभग लगभग ये शेयर 17-18% ऊपर गया था। और इसके बाद क्योंकि इसमें गैप अप ओपनिंग होती हुई दिखाई दी थी, अगर मैं आपको ओवरऑल यहाँ पर देखी जाए तो आपको समझ में आएगी, तो एक अच्छी खासी यहाँ पर लगभग 17-18% तक ये शेयर ऊपर गया। और ऊपर जाने के बाद इसे उतने ही तरीके से यहाँ पर डंप भी कर दिया गया, लगभग काफी लोग यहाँ पर अटकते हुए नजर आए। तो आपको समझने की जरूरत है कि यहाँ पर जो ये चार्ट पैटर्न बनाया ना, यहाँ पर दिखा रहा है कि ये शेयर और नीचे आता हुआ दिखाई देगा, और रिटेल इन्वेस्टर कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रैप होते हुए दिखाई दिया। क्यों ट्रैप होते हुए दिखाई दिया है? क्यों? क्योंकि वो न्यूज देखते हैं, वो टीवी देखते हैं, टीवी में कोई भी कुछ भी कह देता है। आप यहाँ पर, मैं भी उस टाइम टीवी देख रहा था, और यहाँ पर न्यूज देखने पर मुझे पता चली कि ये भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। और यहाँ पर जो लोगों को फंसाया गया, रिटेल इन्वेस्टर्स को ऊपर के लेवल पे फंसा के चीजों को नीचे लेके आई, अब मुझे नहीं लगता काफी टाइम तक, लगभग 1-2 महीने तक तो आप यहाँ पर फंसे हुए हैं, और बात की बात भी नहीं पता चल रही है कि यहाँ पर ऊपर जाएगा या कब जाएगा, कब नहीं जाएगा। और उसके अलावा शेयर यहाँ पर नीचे आता हुआ दिखाई देता है, और कहाँ तक इसके टारगेट आते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो सब चीज से रिलेटेड हम इसमें बात करेंगे, और कैसे यहाँ पर आपको ट्रैप होने से, फंसने से बचना है, उससे रिलेटेड भी बातें करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलती रहे। और कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी करें, और जितना हो सके सपोर्ट करने की कोशिश करिएगा, और दूसरी वीडियोस को जाके देखिएगा। और यहाँ पर ये पर्टिकुलर नंबर दे रखे, नंबर पर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके की गलतियाँ कि यहाँ जब चीजें भाग रही है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये गलतियाँ मैंने भी पहले करी है, कभी कभी अभी भी हो जाती है गलतियाँ, और सबसे होती है। बट हमें अपनी, हमें देखिए चीजें मैं भी देख रहा था, बट मैं यहाँ पर नहीं कूदा, क्योंकि मुझे पता थी यहाँ पर चीजें यहाँ पर वर्थ इट नहीं नजर आ रही। और समझने की जरूरत ये है कि कभी कभी गलती हो जाती है, फाइन, बट अगर ज्यादा ये गलती इस तरीके की होती है कि आप यहाँ पर चीजें सीख नहीं रहे, आप सीखने की कोशिश ही नहीं कर रहे, ना तो किसी की वीडियोस देख के सीखने की कोशिश कर रहे, ना ही बुक्स पढ़ के सीखने की कोशिश कर रहे, ना ही किसी से ट्यूशन लेके कोई सिखाने वाला उससे सीखने की कोशिश कर रहे, सिंपली आप यहाँ पर कोशिश चीजें देखते हैं, भाग रही है, एंट्री कर लेते हैं, फिर एग्जिट करने का नौबत आ जाती है, और काफी टाइम तक आप चीजें यहाँ पर आप फंसे रह जाते हैं। तो ये चीजें समझने की जरूरत है। आपको स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है जब इस तरीके के काम में आप एंट्री कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। जब यहाँ पर चीजों को ध्यान में रखेंगे तब आपको यहाँ पर फ्यूचर में प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा। तो सीखने पे ध्यान दीजिए, इस चीज को हमेशा याद रखिए। तो हुआ क्या था? हुआ ये था कि ये शेयर भागता हुआ नजर आया। भागता हुआ क्यों नजर आया? सिंपल सा रीजन है इसके नंबर की, इसके नंबर आते हुए दिखाई दिए। और परसों की डेट में इसके जब नंबर आए तो इसका जो मार्जिन था, वो भी क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर लगभग अच्छा, सॉरी ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा बढ़ा। और यहाँ पर ईयरली बेसिस पर नंबर की बात करें, 10 करोड़ से सीधे 35 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया कंसोलिडेट। तो कंपनी के देखिए नंबर यहाँ पर अच्छे आते हुए दिखाई दिए, तो यहाँ पर न्यूज आती हुई दिखाई दी कि नंबर अच्छे खासे आए हैं, और टीवी पे भी इस तरीके की चीजें यहाँ पर बताई गई। और टीवी को इसलिए ही मना किया जाता है कि इस तरीके से टीवी को बिल्कुल मत देखो, किसी के कहने पर चीजें मतलब अपने दिमाग का यूज करके उस चीजों को लो। और इस हिसाब से यहाँ पर जब न्यूज आई, सब कुछ पता चल गया, तो यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई। सबसे पहले तो गैप अप ओपनिंग यहाँ पर 10% के ऊपर हुई, और फिर उसके बाद चीजें और भागती हुई दिखाई दी, और भागते भागते ऊपर जाके यहाँ पर डंप करते हुए यहाँ पर शेयर नजर आए। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए लगभग 34 लाख शेयर, 34 लाख 60 हजार शेयर यहाँ पर ट्रेड हुए,
बट ट्रेड में से डिलीवरी कितनी हुई, 7 करोड़ की। मतलब 7 करोड़ लोग यहाँ पर ऊपर के लेवल पर यहाँ पर फंसे रह गए, ओके, या बीच में कभी भी लिया होगा वहां पर फंसे रह गए, और यहाँ पर वो काफी टाइम तक नहीं उभरने वाले। क्यों? क्योंकि ये जो चार्ट पैटर्न बना है ना, ये हमेशा संकेत देता है नीचे गिरने का, जो कि मैं आगे बात करूंगा, तब बात करेंगे। तो डिलीवरी केवल 20%, तो 20% यहाँ पर लोग फंस गए, और बाकी के शेयर जो भी लोग थे वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके चुपचाप यहाँ पर निकल गए। ट्रेडर ने ये काम किया है। तो कंपनी कैसी है, कंपनी क्या करेगी, कंपनी अच्छा खासा बिहेव कर सकती है क्या, आपके यहाँ पर लॉस कवर अप होगा या नहीं होगा, वो यहाँ पर हम बात करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर नजर आ रहा है, वेल्थ की कंपनी है, वेल्थ मैनेजमेंट की कंपनी है ये। लोग बड़े बड़े लोग जो इनके होते हैं 1 करोड़ से ज्यादा का जिनका पोर्टफोलियो होता है, उनके पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं कुछ यहाँ पर उनके कुछ पैसे उन्हें देखे, ओके, कुछ प्रॉफिट उन्हें देखे, सारा प्रॉफिट मोस्टली यही लगता है। तो काफी बेहतरीन, काफी यहाँ पर अच्छा खासा ये बिजनेस नजर आता है, जो कि इसके नंबर से भी हमने यहाँ पर देख लिया कि नंबर अच्छे खासे आए हैं। तो कंपनी काफी बेहतरीन है, 2772 करोड़ की कंपनी है। एयूएम की बात करें तो इनका एयूएम भी काफी बेहतरीन है, यहाँ पर नजर आता है करोड़ों का, थाउजेंड ऑफ करोड का। इसके अलावा आरओसी आरओई बेहतरीन है, डेट फ्री लगभग यहाँ पर कंपनी है, ओके, यहाँ पर डेट देखेंगे भी नहीं क्योंकि प्लेसिंग वगैरह से रिलेटेड, सॉरी, यहाँ पर जो इनके लोन से रिलेटेड काम होता रहता है। 26 का इंडस्ट्री का पी आई 21 का है, तो कहीं ना कहीं अभी भी सस्ता है, और 721 शेयर यहाँ पर डम्प होकर यहाँ पर 666 पे यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। और कुछ पॉइंट्स की अगर हम बात करें, कुछ ही टाइम पहले ये शेयर यहाँ पर आया है, यहाँ पर नंबर देखेंगे क्वार्टरली बेसिस पे हर क्वार्टर में सेल्स बढ़ी है, ओके, इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईयरली बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी यहाँ पर क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे अच्छा खासा आ रहा है और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कंपनी ईयरली बेसिस पे भी देखेंगे 280 करोड़, 336, ओके, इसके अलावा यहाँ पर 273, और अभी 417 करोड़ का यहाँ पर सेल्स है। कंपनी का यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है, यहाँ पर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आया है, और नेट प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं 127 करोड़ का हाईएस्ट एवर यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। रिजर्व्स कंपनी के अच्छे खासे है, बोरिंग यहाँ पर देखने का कोई मतलब बनता नहीं है, और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट 104, और कैश की बात करें तो कंपनी का 87 करोड़ का कैश भी यहाँ पर नजर आता है। प्रमोटर्स 48%, FIs 1%, DIIs 11%, पब्लिक यहाँ पर 39%, ओके, और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें 39 में भी कुछ बड़े बड़े यहाँ पर एजेंसीज या कोई बड़े बड़े लोग यहाँ पर नजर आते हैं। तो यहाँ पर काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर भी पार्टिसिपेट किए हुए हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ सबसे पहले, तो अगर यहाँ पर इसके चार्ट पे जाते हैं तो यहाँ पर ये इसका ब्रेकआउट का लेवल था 654 रुपए का, यहाँ से इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद चीजें यहाँ पर नजर आई। तो ब्रेकआउट पे मैं सोच रहा था यहाँ पर लेने की, बट ऑलरेडी शेयर यहाँ पर इतना गैप ओपन हुआ था कि यहाँ पर लेने का बिल्कुल भी मन नहीं किया, और चीजें ऊपर बिल्कुल जाके, ओके, और लगातार बढ़ के यहाँ पर इसे डंप किया गया, जो कि अगर मैं आपको 1 घंटे के चार्ट पैटर्न पे भी दिखाऊं तो 1 घंटे के चार्ट पैटर्न पे भी ये दिखाई दे रहा है कि चीजें यहाँ पर नीचे आती हुई दिखाई दे रही है। लगातार गिरावट थी, और ये गिरावट और ज्यादा होती हुई मुझे नजर आती है। अगर मैं 5 मिनट का भी चार्ट पैटर्न दिखाऊं, 15 मिनट की भी कैंडल, सॉरी 15 सेकंड तो नहीं, 1 मिनट दीजिएगा। तो अगर यहाँ पर 15 मिनट का यहाँ पर कैंडल लगा के देखते हैं तो स्टार्टिंग में तो यहाँ पर अच्छी खासी जंप देखी गई, ओके, यहाँ पर देखेंगे 9:15 तक यहाँ पर अच्छी खासी जंप हुई, 9:15 के बाद 9:30 तक यहाँ पर छीरे साइड नीचे आती हुई दिखाई दी, और इसके बाद धीरे धीरे करके जब यहाँ पर आपका मार्केट क्लोज हुई तब तक छीरे ऑलरेडी यहाँ पर नीचे आ चुकी थी, और यहाँ पर ये शेयर पंप करके इसे डंप कर किया गया। तो इस चीज को आपको समझने की जरूरत है कि कभी भी जब चीजें ऊपर के लेवल पे भाग जाए, गैप अप ओपनिंग ऑलरेडी हो गए और चीजें ऊपर चली गई तो जाने के बाद यहाँ पर नीचे आ रही है, तो और आपको यहाँ पर या तो स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, इसलिए ही यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काम किया जाता है कि अगर आपने ओपनिंग यहाँ पर हुई, आपने अगर इसमें इधर एंट्री भी ले ली, ओके, एंट्री लेने के बाद आपको धीरे धीरे अगर ये शेयर ऊपर जा रहा है तो आपका जो स्टॉप लॉस है, आपने स्टॉप लॉस ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ही आसपास 5-10 रुपए या यहाँ पर आपने लगाया होगा, ओके, या फिर यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा, जितना भी आपने इस 600 रुपए के आसपास, 618 के आसपास स्टॉप लॉस लगाया होगा। अगर चीजें ऊपर जा रही है तो स्टॉप लॉस को भी धीरे धीरे आपको ट्रेल करना है। क्यों करना है? ताकि जो आपका प्रॉफिट है वो धीरे धीरे सेव हो सके, और आपका अगर चीजें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 675 रुपए गई तो आपने स्टॉप लॉस 665 का लगा दिया,
695 पे गई तो आपने 680 का लगा दिया, यहाँ पर 721 पे गई तो आपको 710 पे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना था, ताकि यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर चीजें ट्रेल करने के बाद जब चीजें नीचे आई तो आपको चुपचाप आप एग्जिट हो गए। ओके, आपको डरने की जरूरत नहीं है, अगर ऊपर जाती चीजें तो अच्छा था, आप और ट्रेल कर लेते, अगर नीचे आना शुरू हुई तो आपको कहीं ना कहीं अच्छे खासे प्रॉफिट 4% 5% 6% जो भी प्रॉफिट हुआ उसे आप लेके यहाँ पर एग्जिट हो जाते हैं। बट अब एक चीज बताना चाहता हूँ, जिस तरीके की गैप अप ओपनिंग के बाद चीजें बनी, ओके, वो यहाँ पर भागती हुई नजर आई, एक ऑलरेडी चीजें यहाँ पर भागती हुई नजर आई है पूरे मार्च से लेके अप्रैल तक, ओके, अच्छे खासे तरीके से, तो एकदम अप ट्रेंड यहाँ पर नजर आ रहा था। और अप ट्रेंड में जब ये इस तरीके की कैंडल बन जाती है ना, ये एक हथौड़ा आपने देखा होगा सीधा, एक हथौड़ा है ये उल्टा वाला, ओके, यहाँ पर अगर इस तरीके का ये हथौड़ा बन जाता है, ओके, इस तरीके का उल्टा हथौड़ा बन जाता है तो सिंपल सी बात ये है, इस तरीके का उल्टा हैमर बन जाता है तो सिंपल सी बात ये है कि अगर अब ये यहाँ पर क्लोज हुआ है, इसका लो था 655 पे, ये क्लोज हुआ है 666 के आसपास, अगर ये यहाँ पर 655 को यहाँ पर नीचे क्रॉस कर देता है, याद रखिए इसका लो है 655, 655 को यहाँ पर नीचे क्रॉस कर देता है जो कि इसका ब्रेकआउट भी था, तो यहाँ पर चीजें रुकने नहीं वाली, यहाँ पर चीजें आपको शायद सबसे पहले यहाँ पर ड्रैग करके लेके आएगी 610 के आसपास, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ आपको पता चल जाएगी, 610 के आसपास यहाँ पर ड्रैग करके ले जाएगी, और ये लेवल भी अगर टूट जाते हैं तो याद रखिए चीजें और यहाँ पर बेकार होती हुई नजर आएगी, क्योंकि इसे 691 के आसपास, फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें 582 के आसपास यहाँ पर जो कि अच्छा खासा नजर आता है, और या फिर यहाँ पर सीधे यहाँ पर लेके जाएगी 670, यहाँ पर एक बेहतरीन सपोर्ट बनता है तो अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर होती हुई नजर आ सकती है। तो बाइंग सेलिंग करने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर भी और खुद की स्टडी करना, और इस तरीके का हैमर बनता है तो गिरावट और हो सकती है, तो स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। तब अब जब चीजें नीचे आ जाएगी तब हम यहाँ पर जब चीजें एकदम सेटल हो जाएगी कंसोलिडेट हो जाएगी तब यहाँ पर हम चीजें खरीदने की सोचेंगे, और फिर इसके बाद प्रॉफिट का फायदा उठाएंगे, और यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हमें 10 से 15% 20% का होता हुआ नजर आएगा। तो इस स्ट्रेटेजी पे काम करना है, ना कि हमें यहाँ पर फंसे रहना है और यहाँ पर फंसे होकर टाइम को बर्बाद करना है, क्योंकि मार्केट में पैसे कमाने के लिए सबसे पहले टाइम को बचाना बहुत जरूरी है। अगर आप हम यहाँ पर फंसे रहेंगे तो लगभग ये 3 महीने या 6 महीने में पता नहीं कब तक ही यहाँ पर आएगा, और जब तक यहाँ पर आएगा तब तक हमारा पैसे बिल्कुल ही एकदम बेकार होते हुए नजर आएंगे, हमें अफसोस होगा कि यहाँ तक चीजें आई, फिर यहाँ पर आके आप नो लॉस नो प्रॉफिट पे बुक करेंगे। स्टार्टिंग में मैंने भी गलती करी है, बहुत गलतियां करी है, बट गलतियों से सीखा है, और सीखने के बाद अगर आप सीखना सीरियसली सीखना चाहते हैं तो इस पर हमारे चैनल पे इतनी वीडियोस आती है, इस चीज को सिखाया जाता है डेली, मैं आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर नया आपको बताता हूँ, तो यहाँ पर सीखते रहिए, यहाँ पर समझते रहिए, लास्ट तक बने रहिए, और दूसरों के साथ शेयर करिए, हमें भी सपोर्ट करेंगे, ऐसी बेहतरीन वीडियो चार्ट के साथ आपको ले आते रहेंगे, और अच्छा खासा पैसा फिर हम मार्केट से कमाते रहेंगे। बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करो, और इस तरीके के स्टॉक और चाहिए तो ये हमारा ये नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हैं, काफी बेहतरीन सर्विस आपको दी जाएगी। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।